आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर। सब्सक्राइब नाउ। कन्नौज जनपद में समाजवादी पार्टी के तमाम पुराने वफादार सिपह सालार इस चुनाव में पार्टी की वादा खिलाफी के कारण खफा नजर आ रहे हैं। इन्हीं खफा समाजवादी पार्टी के नेताओं में एक हैं पुराने खाटी समाजवादी पार्टी के जाने पहचाने नेता अच्छे खां। अच्छे खां ने अपने दिल की जज्बाती कैफियत को आइडियल इंडिया टीवी के वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र से साझा किया। अच्छे खां की कन्नौज जनपद की तीनों विधानसभाओं के मुसलमानों की स्थिति हैरान करने वाली है। आप भी सुनिए उनके दिल के जज्बात उनके दिल की जबान से। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र। आज हम लोग पहुंचे हैं कन्नौज जनपद की छिबरामऊ विधानसभा में। छिबरामऊ विधानसभा हॉट सीट कही जाती है। यहां से समाजवादी पार्टी ने अरविंद सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना पांडे को अपना फिर से उम्मीदवार बनाया। वो यहाँ से सिटिंग MLA भी हैं। समाजवादी पार्टी में लगातार देखा जा रहा है उहापो की स्थिति है। यहाँ पे छिबरामऊ विधानसभा की मूलतः बात करें, यहाँ अरविंद सिंह यादव के राइट हैंड कहे जाने वाले, पूरा चुनाव मैनेज करने वाले, नाम से ही जिनका नाम ही हालात बयां करता है, अच्छे खां, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज खास तौर पर बातचीत करेंगे। नाराज हैं, गुस्सा हैं, आक्रोशित हैं और कुछ वजह हैं, उन पर सीधी बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव में तारीखों का ऐलान हो चुका है, नामांकन हो रहे हैं। वहीं अच्छे खां समाजवादी पार्टी के खेमे में कार्यालय में नदारद हैं और उनकी यह नदारदगी, उनकी जो गैर मौजूदगी है वो खल रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाले अच्छे खां, सीधे बात करते हैं अच्छे खां से। अच्छे जी, आज आपको देख के ये सिर पे लाल टोपी क्यों नहीं है, पहला सवाल है मेरा कि ये लाल टोपी सिर पे क्यों नहीं है, वजह? लाल टोपी तो हमारे सर पे हमेशा रही है और हमेशा रहती रही है। और आपका सवाल बहुत ही माकूल सवाल है। कभी कभी लिफाफा देख के ही लोग पता लगा लेते हैं कि अंदर क्या है। आपने वही सवाल कर दिया है। रहा अरविंद जी के चुनाव की बात, 7 से 12 और 17 सब चुनाव हमने लड़ाए हैं और इतने बारीकी से चुनाव लड़ाए हैं, शायद उसका रिजल्ट भी आपने देख लिया है। जब जब कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल है, हम लोग कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए, नेता हर नेता कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ है। हमारा जो सिपाही होता है, अगर वो सिपाही सही ढंग से काम करता है तभी जाकर, चाहे वो शरद का हो चाहे वो आम जनता का हो, जब शरद पे हम लोग लगते हैं तो उस टाइम पे सुरक्षित जब ही हम खाना खा पाते हैं, जब लोग बर्फ की सिल्ली पे खड़े रहते हैं, पानी के अंदर खड़े रहते हैं, मौसम की मार सहते हैं, तमाम आंधी तूफानों के बीच में रहते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि कोई ऐसा ना हो जाए, कहीं पे ऐसी धरपकड़ ना हो जाए जिसमें देश में कोहराम मच जाए और देश तबाही की तरफ चला जाए। ऐसे ही चुनाव होता है। कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी जब नेता कार्यकर्ता को गले की हड्डी समझने लगता है तब जाके समस्याएं ऐसी पैदा हो जाती हैं जैसा कि आपने सवाल किया। वजह बताइए, समाजवादी पार्टी के खेमे में आज आपकी मौजूदगी नहीं दिख रही, इसके पीछे मूल वजह बताइए कि समस्या कहां पर है। देखिए, हम आपको सिर्फ इतनी बात बताएंगे, हम लोगों ने हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा देख के काम किया है और शायद छिबरामऊ एक विधानसभा ऐसी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही चेहरे पर उसे ज्यादा गर्व और फक्र है, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिलता है तो कार्यकर्ता की ऐसी हालत होती है जैसी मेरी है। मैं वैसे, हम आपको बता दें, हमने शायद उत्तर प्रदेश में शायद सबसे ज्यादा, हम ये नहीं कह रहे कि हम मेहनती हैं, हमने मेहनत इसलिए की कि सर्व समाज जब अखिलेश जी की सरकार आती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब वहाँ पे होते हैं, आपने देखा होगा कि आज दिन तक काम बोलता है कि नारा चल रहा है, काम बोलता है और आज भी काम बोल रहा है। योगी जी की सरकार लगभग 5 साल पूरे होने को हुए हैं, उसके बाद में भी अखिलेश जी का काम बोल रहा है प्रदेश के अंदर। जब हम लोगों के बीच में जो चुनिंदा लोग चुन के जाते हैं, जब वो ढंग से नहीं बोलते हैं तो रिजल्ट कैसा आता है, वो हम लोग वो जेल काट चुके हैं। हम लोग, हम कार्यकर्ता वो मुसीबत उठा चुके हैं, नेताओं के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। नेताओं ने जो किया आंख बंद करके किया, उसका रिजल्ट हम लोगों को, हम कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ा। कितना झेलना पड़ा, मान मर्यादा से लेके
सारी चीजों से हमें कर्ज चुकाना पड़ा। कार्यकर्ता प्रताड़ित हुआ है, कहीं कहीं कार्यकर्ता ऐसा होता है कि जिनसे प्रताड़ित होता है वही लोग फिर सरकार में आकर वहां टिकट पा जाते हैं, कार्यकर्ता फिर मायूस हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमने हमने जो मेहनत की है हम नहीं बता सकते हैं। हमने लगभग 58 जनपद में 6,960 किलोमीटर साइकिल चलाकर, अगर हम आपको बता दें कि इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, गोरखपुर, संत कबीरदास नगर, फैजाबाद, बस्ती, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, ये इतने जिले हमें रटे हुए हैं। हम नेताजी ने कहा था कि आखिरी झोपड़ी तक समाजवादी का वोट है, उसी संदेश को लेकर हम आखिरी झोपड़ी तक गए हैं। हम लोगों ने लोगों की पीड़ा बहुत बारीकी से देखी है। ये बात अलग है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला कर देते हैं उसका हम लोग सर झुकाकर सम्मान करते हैं, आज भी कर रहे हैं। लोगों के दिल में खुशी नहीं है, कार्यकर्ताओं के दिल में अभी ऊर्जा नहीं है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, कुछ पीड़ा है हम लोगों की, लेकिन आज भी उस पीड़ा पे कोई भी काम ऐसा नहीं किया जा रहा जो लोगों की पीड़ा और लोगों का सम्मान, जिन्हें मालूम पड़े कार्यकर्ताओं को मेरा सम्मान सुरक्षित है। विधानसभा छिबरा मुंह में कहा जाता है कि अच्छे खां वह व्यक्ति हैं जो चच्चा कह के बच्चा बन के घर घर में घुस जाते हैं। आप एक मुस्लिम चेहरे हैं, आपका निजी व्यक्तिगत विधानसभा में व्यवहार है, आना जाना, आपने दावेदारी की थी क्या छिबरा मुंह? हाँ, हमने दावेदारी की थी, चूंकि 1992 में जब से पार्टी को साइकिल निशान मिला है तभी से हम लगभग राजनीति में जुड़े हैं। 95 में हमें प्रधान बन गए थे, मेरी माताजी 95 में प्रधान बन गई थी, क्योंकि मेरे रिटायर बालिश साहब जो कि 2031 जनवरी को ख़त्म हो गए थे, लगभग 22 वर्ष उनके भी पूरे होने आए हैं। लगभग हमने 30 साल का सफ़र पूरा कर लिया 2022 में, 2022-92 का 30 साल का सफ़र पूरा हो जाएगा मेरा। तो इतना बड़ा सफ़र करके, और हमने ऐसे नहीं, समाजवादी मेरी समझ में मेरे साथी भी हैं, तमाम साथी हैं, लगभग 61 साथियों ने साइकिल में सहयोग दिया है। लगभग मेरे मैन साथी में मेजर सिंह यादव, राम प्रकाश साक और सूरज सिंह, ये लोग इस हिसाब से रहे कि ऐसी कोई जगह नहीं थी जो इसमें शामिल नहीं रहती, लेकिन आज हालात वो हुए। हमने जो भी साइकिल चलाई है वो इसलिए नहीं चलाई कि हमें अमीर आदमी बनना था, ये इसलिए भी नहीं चलाई कि हम लोगों के बीच में जाएं और अपना सिस्टम बना लें, लोग इधर उधर भटकें, ऐसा भी नहीं। आज दिन तक बेदाग जिंदगी है, किसी से एक पैसे दलाली नहीं, जिसका भी काम आया निःशुल्क किया। समाजवादी सिस्टम में आज भी हमने दाग नहीं लगने दिया, इससे कि लोग अगर हमसे अच्छे कह रहे हैं तो हमने अच्छे बन के दिखाया, लेकिन मेरे हालात जो खराब किए गए हैं पार्टी की तरफ से लोकल नेताओं ने, उसके लिए हम बयान नहीं कर सकते। अगर मेरे आंसू गिर जाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि हो सकता है ये कोई वैसा हो, नहीं। अगर आप हमसे व्यक्तिगत भी पूछेंगे तो व्यक्तिगत के हिसाब से अगर हम कह देंगे तो मेरी गत बनाने में लोकल नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, आप समाजवाद फॉलो करते रहे, समाजवादी रहे, पीछे विगत चुनाव में 17 में ताहिर हुसैन सिद्दीकी यहाँ से प्रत्याशी थे, एक मुस्लिम नेता होने के बावजूद लगातार आप समाजवादी पार्टी के बैनर में रहे, अरविंद जी का साथ दिया, तो क्या इस चुनाव में अखिलेश जी ने आपको कोई वायदा या कोई आश्वासन दिया था टिकट के लिए? देखिए, मैंने जो आवेदन किया था तो क्योंकि बहुत बड़ी लाइन थी, मतलब हमारे अरविंद विधायक जी और इधर ताहिर हुसैन सिद्दीकी जी, ये बहुत बड़े दावेदार में थे, सुभाष साकब, दिनेश जी और रजनीकांत वहाँ से आते हैं, जलाल जलालाबाद से ब्लॉक प्रमुख और हाजी रईस भी थे, तो यहाँ तमाम लोग लगभग 11-12-13 लोग, प्रताप सिंह जी भी थे। हमने ये सोच के आवेदन किया था कि 30 साल का इतना लंबा सफ़र जो हमने तय किया है, जो हमने पसीना बहाया है, लोगों के बीच में गए हैं, छवि अच्छी रखी है, मतलब लोग अगर हमें अच्छे कहते हैं तो हमने उस नाम के ऊपर इल्जाम नहीं आने दिया। तो हमने जो मेहनत की थी तो हमने ये सोचा था, मेरी निगाह इसलिए थी कि शायद समाजवादी पार्टी में अगर मेहनत देख के कोई काम होता है तो मेरा नंबर आ जाना चाहिए था, क्योंकि हमने जो पसीना बहाया था वो पसीना एक ऐतिहासिक पसीना था और आज भी हम बहा रहे हैं, लेकिन पसीना के अलावा जितना हमने पसीना बहाया शायद उतने हमें आंसू भी बहाने पड़े। अच्छा, इस चीज के पीछे वजह क्या मानते हैं कि
जब अरविंद यादव पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी दो बार एमएलए रहने के बाद अपनी पंचायत चुनाव में इज्जत नहीं बचा पाए, अपनी घर की सीटें नहीं बचा पाए, जिला पंचायत चली गई, ब्लॉक प्रमुखी चली गई, प्रधानी चली गई, बीडीसी चली गई, कोऑपरेटिव चली गई, इसके बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष को अरविंद को टिकट देने के पीछे वजह क्या मानते हैं? सिर्फ हम इतना कहेंगे अरविंद जी के बारे में, शायद उनकी गलत सोच उन पे भारी पड़ गई, जो उन्होंने लगातार उनका जो राजनीतिक ग्राफ जो गिरा है वो उनकी वो उसके जिम्मेदार पूरा क्षेत्र नहीं है, उसके जिम्मेदार कहीं किसी ने कहा था कि गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता खुद गब्बर, अगर इस चीज के जिम्मेदार है तो खुद अरविंद जी हैं, अपनी अपनी सोच के जिम्मेदार अरविंद जी हैं, जो उन्होंने सोच पैदा की है उसका जवाब जनता ने दिया है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हमारे साथ में उन्होंने क्या किया है, हमने भाई बन के उनका साथ दिया था और आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला किया है उस पर हम सहमत हैं, लेकिन दिल में पीड़ा है और इतनी पीड़ा है कि जो हम बयान नहीं कर सकते। मान लेंगे अच्छे खां बागी हो गए? नहीं, बागी तो नहीं है, लेकिन लोकल के नेता दागी जरूर बताने की कोशिश करते हैं कि अच्छे खां दागी हो जाए, ऐसा तो नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निगाह में चढ़ के कुछ और बन जाए, क्योंकि जमीन पे हमने सुना था कहीं किताबों में भी लिखा होता है कि सब्र का फल मीठा होता है, मेहनत का फल मीठा होता है, सारी चीजें मीठी होती हैं जो लिखा पढ़ी में होती हैं, उसको करके हमने काम किया था, इसलिए हमने ये सोचा था, लेकिन हमें पता नहीं चला इतने बड़े सफर में, इतने लंबे सफर में हमने जो पल पल में जो कुर्बानी दी है, हमें मालूम है मेरा परिवार आज भी मेरी ईमानदारी का बोझ ढो रहा है, मेरी बेटी खुद एक दिन पूछती थी छोटी बेटी कि पापा तुम मेरी फीस अदा नहीं कर पाते हो, क्या आपको अखिलेश भैया या मुलायम सिंह जी तनख्वाह नहीं देते? मासूम बच्ची जब जवाब करती है अपने बाप से तो इसका कौन जवाब दे पाएगा, इस बात का आप हमें जवाब दें, ऐसा जवाब कौन दे पाएगा? इस दौरान अभी जो ना पहुंचना है आपका या सक्रिय रूप से राजनीति में नहीं रहना है, तो इसके पीछे कोई मैसेज पास हुआ आपका, अरविंद जी ने आपसे कोई सलाह करने की या मनाने की मान मनोवल करने का कोई प्रयास किया, कोई अप्रोच करी? नहीं, अरविंद जी गलती करने के बाद में भी नहीं सोचते हैं और गलती करते हैं तब भी नहीं सोचते हैं, तो उनके दो पॉइंट हैं, वो बेचारे ना सोचने की वजह पता नहीं उनकी क्या है, ये या तो उनकी योग्यता उन्हें इस चीज पर मजबूर करती है या विफलता मजबूर कर, ओवर कॉन्फिडेंस है क्या? हो सकता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हमें 5,000 के मालिक हैं वोट के, यहाँ पर 5,000 अगर निर्दलीय में हमें मिलते हैं तो अगर हम अखिलेश भैया का नाम ले लेंगे तो अखिलेश भैया ही जिम्मेदारी, मतलब कभी कभी जो कमाऊ पूत नहीं होता है उनने घरवाले ब्याह कर दी और वे विदा करा लें, वे सब कुछ करें, हमें कहा हमें तो खेत में काम करना है, हमें अपना काम करना है, दूसरा काम नहीं, ऐसे ऐसे दिमाग लगा कर अगर वो काम करते हैं तो भाई वो उसका रिजल्ट यही आएगा। इन परिस्थितियों में जो आज के हालात हैं छिबरामऊ विधानसभा के, अभी हाल ही में ताहिर हुसैन सिद्दीकी भी बगावत पर उतर आए, बातचीत चल रही है अंदर खाने में, तो मुस्लिम कहां पर स्टैंड करते हैं? जो मुस्लिम मतदाता है खासकर विधानसभा छिबरामऊ का, तीनों विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी ने वोट तो है, कट्टर वोट है मुस्लिम, लेकिन प्रत्याशी के रूप में एक भी अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के बैनर पे प्रत्याशी को नहीं उतारा, ऐसे में तीनों विधानसभाओं के मुस्लिम मतदाताओं को कहां स्टैंड करना चाहिए, कहां जाना चाहिए? क्या ये मुस्लिम मतदाताओं के साथ धोखा नहीं है, वादा खिलाफी नहीं है? हम आपको इतना बताना चाहेंगे कि पूरे जनपद में मुस्लिम मतदाता लगभग 2,00,000 से ऊपर है, कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी बहुत जरूरी होती है। हम तो पूरे जीवन में यही देखते रहे कि हमें कोई ब्लॉक प्रमुख बना दे, हमें कोई चेयरमैन बना दे, हमें कोई हो सकता है विधायक बना दे कभी, तो हमारा सिस्टम ये चलता है कि कार्यकर्ता की अरमान क्या होता है कि ग्राम सभा में कहीं काबिजदार हो जाए या क्षेत्र पंचायत में या ब्लॉक प्रमुख बन जाए या चेयरमैन बन जाए या विधायक बन जाए या राज्यसभा में चले जाए या लोकसभा में, जब ये कोई सभा नहीं मिलती है तो उम्मीद भी नहीं करना चाहिए कि नेता भी लोकसभा में भी मेरे आ जाएंगे, क्योंकि जीवन थोड़ा होता है। अभी हम बता दें हम इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, हम अपने भाइयों को क्या बता सकते हैं, अगर कोरोना बैक मार दे कहीं ना कहीं जिंदगी चली जाए, न जाने कितने लोग चले गए, मेहनत जाने कितने लोगों ने कर्मान चले गए। जहाँ तक ताहिर सिद्दीकी जी की बात है, वो अपने यहाँ पर आए थे, वो अपना चुनाव बनाने के लिए उन्होंने जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई हो वो उनका अंदर का मामला था, जब उनकी टिकट ना होके चलो ताहिर जी की या अरविंद जी की दोनों लोगों आमने सामने हो गए थे, मेहनत वाले का तो कोई काम नहीं था,
नामदार लोग दोनों थे, मेहनत वाले हम थे, हम तो साइड से देखे जा रहे थे। सुभाष साक भी थे, दिनेश यादव भी थे, तो ये लोग जब देखे जा रहे थे तो हमें मालूम थी कि अरविंद जी और ताहिर जी के बीच में कहीं ना कहीं कोई टिकट फाइनल हो जाएगी। जब ताहिर जी का टिकट नहीं आया तो लोगों के अंदर बहुत तूफान आया। ताहिर जी के बंगले पे जो लोगों ने घेरा है वो सबने सोशल मीडिया के जरिए देखा है, हम तो वहाँ पे नहीं थे। हमने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हाथ जोड़ के निवेदन किया, हमने कि हम कुछ नहीं चाहते हैं, आप मुख्यमंत्री बन जाए, हम आपको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, हमारा सिर्फ हाथ जोड़ के इतना निवेदन है कि आप कन्नौज को बचा लीजिए। कैसे बचाएंगे वो आप सोचे। सीधा सवाल है मेरा, नाराजगी जो दिली कैफियत है वो बताइएगा, नाराजगी अरविंद सिंह यादव से है या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से? देखिए, मेरी नाराजगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नहीं हो सकती है, उनसे सिर्फ इतना ही है मेरा कि हमने मेहनत को लेकर हमने कुछ सपने देखे थे, वो मेरे अधूरे हैं और हो सकता है कि मेरे अधूरे ही रहें, लेकिन हम ये सोचना ये देखना चाहते हैं कि प्रदेश की जनता अगर खुशहाल रहती है तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहेगी। और अरविंद जी से नाराजगी की तो बात छोड़िए, अरविंद जी ने किसी का दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरे समझ से जितने भी मेहनत का कार्यकर्ता हैं, लगभग दो बार विधायक बनाया है, उन लोगों ने ऐसे विधायक बनाया है कि जैसे अपने भाई को चुन रहे थे, लेकिन इन्होंने पलट के नहीं देखा। ये उनकी क्या मजबूरी थी क्या नहीं थी, पहला पीरियड गुजर गया कि विपक्ष था, मेरा मेरी बात ही नहीं चल रही है, भाई बहन जी है मुख्यमंत्री। दूसरा पीरियड ये गुजर गया कहते कहते कि कन्नौज वाले कुछ होने नहीं देते, कार्यकर्ता मायूस रहा, खाली हाथ रहा, कुछ लोग कुछ हाथों को मिलने को भी था तो वो भी हाथों से छीन लिया गया। ये इस पे हम और कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप कभी कभी अलग की बात फलक तक जाती है, लेकिन अरविंद जी ने जो कार्यकर्ताओं के प्रति किया है उसको लेके कार्यकर्ताओं में बहुत बेहद जोश है, क्योंकि हम लोग जब से सोशल मीडिया पे चले गए हैं, चुनाव प्रचार सोशल मीडिया पे चलने लगा है, तब से दिल में पीड़ा ये रहती है कि आगे अखिलेश जी को जो हम देश की कुर्सी भी दिलाना चाहते हैं, ऐसे लोग प्रदेश की कुर्सी भी के साथ मजाक कर रहे हैं। तकलीफ है आपकी, तकलीफ हालाते बयां जो है दिल के गुबार निकल रहे हैं आपके चेहरे पे आ रहे हैं, तो अब मैं आपसे सीधा सीधा ये जानना चाहता हूँ कि ये इस सर पे लाल टोपी चढ़ेगी इस चुनाव में या नहीं? नहीं, लाल टोपी से हमें कभी भी वो नहीं रहा। आपको टोपी देख के दोबारा सवाल है आपका, टोपी हमारे सर पे हमेशा लाल रही है और लाल ही रहेगी, और हम चाहेंगे कि आपको ये यकीन नहीं होगा कि पता नहीं अच्छे लाल को इस्तेमाल करेंगे कि या नहीं करेंगे, तो हम आपके सामने ही ये लाल टोपी इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपका बहम चला जाए, क्योंकि आपके अंदर तमाम सवाल हैं और जो सवाल खड़े होते हैं तो उसमें तमाम सवाल निकलते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उस पैमाने के कार्यकर्ता हैं कि जैसे कभी कहा नहीं गया कि आधे चावल में भी कुछ इतिहास है, पिछला धार्मिक इतिहास है कि आधे चावल में भी आधा, एक चावल में भी आधा आधा करके खा लिया, तो उनके लिए मैं भी कर सकता हूँ। ये मेरी सोच है, अंदर की भावना है, और हमने जिस दौर से गुजर रहे हैं वो दौर या तो हमें मालूम है या मेरे परिवार को मालूम है। वैसे हमने जो मेरे पिताजी 22 साल हो जाएंगे, आज दो दिन बाकी रह गए हैं, यानी कि 11 महीना 29 दिन, आज 30 तारीख अगर है तो 11 महीना 30 दिन हो गए, मतलब 31 जनवरी को पूरा 22 साल हो जाएंगे। हमने ये इतना लंबा सफर कैसे किया, मेरे तीन भाई है, दो भाई हैं, उन्हें कैसे पढ़ाया, कहाँ तक ले गए, चार बहनें हैं, कैसे शादी की, या तो मैं जानता हूँ, खुद जानता हूँ, या मेरा खुदा जानता है, लेकिन आज भी हिम्मत नहीं आ रही। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह दें कि अच्छे तुम्हें 10 साल का टाइम और देते हैं, 10 साल में तुम्हें उत्तर प्रदेश के हर घर की बात बतानी है, तो उत्तर प्रदेश की हर घर पे हम साइकिल से पहुंच सकते हैं। अभी भी जज्बा है, और जज्बा किस लिए है, हमारा जज्बा सिर्फ लोकल नेताओं के बारे में अगर हम कुछ बोलते हैं, यहाँ का नेतृत्व भी वो नहीं है जो कार्यकर्ताओं को खुश कर सके, लेकिन हम इतना बता देते हैं कि इतनी जो हौसला, इतनी उम्र तक हम पहुंच गए हैं, उस हौसले के पीछे सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा है। उनको जब देखते हैं, आप दिन भर देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, दिन भर चाहे लाखों लोगों के बीच में रहें, चाहे करोड़ों लोगों के बीच में रहें, चाहे जनसभा भारी से भारी कर दें, लेकिन आप 12 बजे रात को मिलिए
तो उनके चेहरे पे कहीं पर भी थकावट और शिकम महसूस नहीं होगा, उनके चेहरे पे कोई भी परेशानी की और मेहनत की लकीरें आपको नहीं मिलेगी। उसी को देख के आज दिन तक मेरे अंदर ताकत है, हमें ऊर्जा मिलती है। जब हम लखनऊ पहुंच जाते हैं, उन्हें शीशे के अंदर भी देख लेते तो हमें ऊर्जा मिल जाती है, क्योंकि हम पुजारी हैं, इस हिसाब से हम अपना जीवन गुजार रहे हैं। बहरहाल यहाँ के नेतृत्व पे जनपद में अगर हमसे कोई बारीकी से पूछे तो हम ये नहीं बताएंगे कि किसके अंदर क्या कमी है, खुद ब खुद छलक के पता चल जाएगा कि कमियां कहाँ से हैं। अच्छे जी, हमसे आइडियल इंडिया टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे छिबरामऊ विधानसभा के जाने माने समाजवादी पार्टी के कद्दावर मुस्लिम लीडर अच्छे खां, हमसे बात कर रहे थे। ये इनके जहनी तौर पर दिली दर्द था, गुबार था, जो इनका पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव के प्रति था। मैं इनसे एक शेर है अर्ज करना चाहूंगा, दर्द को न देखिए दर्द से, दर्द को न देखिए दर्द से, दर्द को भी दर्द होता है, दर्द को भी जरूरत है दर्द की, आखिर दर्द ही तो हम दर्द होता है। यह सिलसिला जारी रहेगा, विधानसभा चुनाव है, नेताओं का रूठना मनाना ये सिलसिला लगातार हर चुनाव में देखने को मिलता है और अनवरत आगे भी भविष्य में देखने को मिलेगा। मैं हूं जितेंद्र द्विवेदी, कैमरे पर थे राम ऋषि पांडे, छिबरामऊ विधानसभा से जनपद कन्नौज। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ।